हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो दोस्तों, आज चलिए कुछ एकदम अलग सा नया बनाते हैं। तो मैंने दो कलर का धागा लिया है, इससे मैं एक नया डिज़ाइन का फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जो मैं फ्लावर बना रही हूँ वो कुछ इस टाइप का है, पीछे से ऐसे और ऐसे। तो मैंने ये बेस के लिए रखा है, एक किनारे के लिए रखा है। क्रोशिया हुक मैंने 3.0 mm का लिया हुआ है। आप कोई भी कलर का रबर बैंड यूज कर सकते हैं और ये कैची। सबसे पहले मैं बेस बनाऊंगी। इस तरह से रखें, सिंगल फिंगर एक उंगली में रखें, यहाँ से इस तरह से घुमाएं और ट्विस्ट करें। एक चेन, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, दो, तीन, चार, पाँच एंड छः। इसको इस तरह से खींचे और जो फर्स्ट चेन दिख रहा यहाँ, इसमें स्लिप स्टिच करें ऐसे। फिर यहाँ से एक इस धागे को यहाँ ऐसे पकड़ लें और नेक्स्ट में जाके यहाँ दो सिंगल क्रोशिया। अगर आप मार्कर यूज़ करना चाहें तो मार्कर भी फर्स्ट चेन में लगा सकते हैं इस जगह पर। फिर नेक्स्ट चेन में दो सिंगल क्रोशिया, दो हो गए। फिर अगले में दो, इस तरह से इसमें बनाएंगे। छः थे तो यहाँ 12 यानी 12 होंगे इस लाइन में। तो यहाँ 12 हो गए। फर्स्ट चेन जो दिखाई दे रहा इसमें स्लिप स्टिच, तो ये बेस बन गया। फिर यहाँ से एक चेन, सेम जगह में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में दो सिंगल क्रोशिया, फिर अगले में एक, फिर नेक्स्ट में दो। इसी तरह से पूरा राउंड बनाएंगे, इसमें हो जाएंगे 18 सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ हम आ गए। अब इस जगह पे फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ धागा कट कर देंगे, यहाँ धागा कट कर दिए। इस तरह से धागे को खींच लें और फर्स्ट वाले धागे को यहाँ से बांध कर कट कर दें। एक्स्ट्रा धागा में कट कर दे रही हूँ, ये अंदर की साइड रहेगा। ठीक, रेडी हो गया। उसके बाद मैं दूसरा पार्ट दिखाती हूँ किस तरह से बनाना। यहाँ से इस तरह से करें, सेम तरीके से छह सिंगल क्रोशिया। तो इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पहले इसमें जोड़ेंगे हैं इस जगह पे। तो फ्रेंड्स, आप इसको कॉटन धागे से बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरे पास जो धागे हैं मैं उनसे सिखा रही हूँ, आप अपने हिसाब से कॉटन धागा ले लें तो कॉटन धागा से बहुत ही अच्छा ये फ्लावर रहेगा, यहाँ मुड़ेगा नहीं। अभी मैं यहाँ एक चेन बनाई और अगले में एक सिंगल क्रोशिया, उसी में दो बनाऊंगी, फिर अगले में दो बनाऊंगी, मतलब छः हैं तो तीन में मैं बना लूँगी अभी और तीन बाकी रखूँगी। मैंने दो का बना लिया, तीन, यहाँ मैंने छः लूप बना लिए, आधा मैंने बनाया है और यहाँ तीन बचे हुए हैं। तो इस जगह मैं इसको रखूँगी रबर बैंड, मैंने तीन बनाया, तीन के बाद इसे इस तरह से रख लूँगी। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट चेन यहाँ है, इसके बाद इस तरह से लें और पहले ही चेन में यहाँ से हमें बनाना है।
इस चेन में, क्योंकि यहाँ हम तीनों में हमें दो दो बिनना है। पहले हमारे 6 सिंगल क्रोशिया थे, अब यहाँ 12 होंगे। तो 3 में मैंने बुना था, 6 हुए थे, अब यहाँ से 6 दो मैंने बुन लिया। फिर नेक्स्ट दो चेन में दो दो बनाएंगे, यहाँ हुआ 2 और अगली चेन में 2, यहाँ भी 2 सिंगल क्रोशिया। उसके बाद हमें जो आधा हमने पहले बुना था इसको इस तरह से रखेंगे, इसको और इस पार लाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, सेम जगह में हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। ये दोनों एकदम बिल्कुल हाफ हाफ बीचों बीच में ये आ गए एकदम। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे और अगली चेन में यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से अगली चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया 2 हुआ और फिर अगली चेन में 2, एक सॉरी, इस तरह से यहाँ 18 हमें बनाने हैं। नेक्स्ट में 2, फिर अगले में 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 1, इसी तरह से ये पूरा इस जगह तक कंप्लीट करना है। तो यहाँ लास्ट में आ गए, इस वाली चेन पे भी 2 बना लेंगे और यहाँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे, और यहाँ एक चेन बना के हम धागा कट कर देंगे क्योंकि आगे का डिज़ाइन हमें अलग तरीके से बनाना है। तो यहाँ धागा हो गया इस तरह से, धागे को हम यहाँ से अंदर में बाद में कर देंगे, अभी मैं यहाँ छोड़ दे रही हूँ। अब इसके ऊपर हम ये वाला अंदर रखेंगे और इसको बाहर रखेंगे, तो इस तरह से रखेंगे। अब अगला धागा लेंगे, यहाँ से मैं लूँगी, हर एक चेन में हमें बुनना है यहाँ से, नीचे का भी वहीं से लेंगे, यहाँ से धागा लें। आप अपने पसंद के अनुसार कलर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो जो आपके काम की हो देखने को मिले। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, अगर आपको बड़ा बनाना है तो 6 बनाएं, या मैं 6 बना रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा बनाऊँगी। यहाँ से सिंगल क्रोशिया, दूसरा सिंगल क्रोशिया, तीसरा, चौथा एंड एकदम नीचे 5वां, 5 इसको अंदर रखेंगे और अगली चेन में हम यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे, दोनों में पकड़ेंगे इस तरह से, स्लिप स्टिच हुआ। फिर हम अगली चेन में जाएंगे, एक बार और स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। अब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर सेम तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ अगली चेन में स्लिप स्टिच यहाँ से यहाँ, फिर अगली में स्लिप स्टिच यहाँ से। तो इसी तरह से इस हमें 9 पेटल बनाने हैं, इसमें 18 थे तो हमें 9 पेटल, 2-2 का है। आगे का डिज़ाइन मैं आगे बताऊँ। तो यहाँ मैंने बना लिया, अब इसमें थोड़े से कॉटन डालने होंगे, तो इसको इस तरह से रखें और दोनों के बीच में थोड़ा सा फाँक करें। इसमें हम सिंथेटिक कॉटन डालेंगे, इस तरह से डालें तो इसका बीच का पोर्शन थोड़ा उभरा हुआ हो जाए। तो फ्लावर बहुत ही सुंदर दिखेगा। बाकी 2 पत्तियाँ सेम तरीके से और बनाएंगे हम, यहाँ से
फिर यहाँ से सेम ऐसे ही से बंद कर देंगे। अब यहाँ से कंप्लीट करेंगे स्लिप स्टिच और नेक्स्ट भी यहाँ से स्लिप स्टिच, यहाँ बीच में स्लिप स्टिच करें, ये जो बीच की जगह है दोनों के। उसके बाद यहाँ जो फर्स्ट स्टिच है इस तरह से पकड़े, आपको ठीक समझ आएगा इस पॉइंट पे। यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक अगले में इस जगह एक हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद नेक्स्ट जगह डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया हमें लगातार तीन बार बनाना है, यहाँ से दो हो गया और एक बार और इस जगह से तीन बार। सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया। अब ये टॉप का पोर्शन दिख रहा है इस जगह, यहाँ हम बनाएंगे डबल क्रोशिया एक ही होल में चार बार, एक बार दो बार तीन चार। अब हम रिपीट करेंगे, ये जो दिख रहा इसको हम पूरा लेंगे, एक दो डबल क्रोशिया तीन, तो यहाँ जो तीन था उसे हमने रिपीट किया। उसके बाद इस वाले में हाफ डबल क्रोशिया, और ये सामने जो दिख रहा सिंगल क्रोशिया, और यहाँ बीचों बीच में स्लिप स्टिच। अब फिर नेक्स्ट में भी सेम तरीके से बनाना है, पहले एक सिंगल क्रोशिया फिर एक हाफ डबल क्रोशिया तीन डबल क्रोशिया, बाकी सारा डिज़ाइन इसी तरह से बनेगा सेम इसी पैटर्न जैसे, ये भी सारा पूरा डिज़ाइन इसी तरह से बनेगा। तो फ्रेंड्स आगे का डिज़ाइन मैं आगे दिखाऊंगी किस तरह से इसको फिनिश करना है। तो यहाँ ये कंप्लीट कर दिया मैंने, जैसे एक पंखुड़ी बनेगी वैसे सारी बनेंगी, इसमें हाफ डबल क्रोशिया लास्ट में सिंगल क्रोशिया यहाँ, और बीचों बीच में हम स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ, यहाँ हमारा फिनिशिंग पॉइंट है। यहाँ स्लिप स्टिच किया और पीछे से एक चेन बनाया और धागा कट किया, यहाँ धागे को हम अंदर कर देंगे इस जगह से बैक साइड से, यहाँ से और यहाँ से भी अंदर करेंगे। आप जितनी दूर ले जाना चाहें ले जाके और धागे को कट कर दें। तो ये बैक साइड से ऐसा है और सामने से यानी फ्रंट साइड से ऐसा है। आपका अगर कॉटन धागा होगा तो हमेशा ये ऐसे रहेगा, नहीं तो इस तरह से ये रहेगा। तो फ्रेंड्स रेडी हो गया, वीडियो कैसा लगा बताएं। ए तो प्यारे से फ्लावर, तो फ्रेंड्स खुद के लिए भी बनाइए किसी को गिफ्ट करिए। थैंक यू सो मच।